अदाकारा निमरा खान के मोबाइल अगवा का मामला, पुलिस की अदाकारा को मुल्जमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी। निमरा खान के मोबाइल अगवा के मामले में पुलिस ने अदाकारा को मुल्जमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवा दी। निमरा खान ने एसडीपीओ साहिल पुलिस मनीषा रूपीता की मुलाकात हुई। अदाकारा निमरा खान का कहना था कि मुझे अगवा करने की कोशिश की गई थी, मैं पुलिस ऑफिसर से मिलकर बहुत मुतमिन हूँ, पुलिस ने बहुत तावन किया। निमरा खान का कहना था कि वाकई से मुतालिक मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहती थी, मुझे मुल्जमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई गई है। दूसरी जानिब पुलिस ने भी वाकई की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त करते हुए रिपोर्ट तैयार कर ली है। एसएसपी साउथ साजिद के मुताबिक वाकई की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई है। अदाकारा वाकया बताते हुए रो पड़े। एसएसपी साउथ ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार शख्स खातून के साथ बदतमीजी करता है। अदाकारा और निमरा वाकये के बाद फौरी वहां से भाग गई। खातून को जाता देखकर एक गाड़ी में सवार शहरी भी रुकता है। एसएसपी साउथ ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार शख्स मौका से फरार हो गया, खातून से कोई चीज नहीं छीनी गई। इससे कबल पाकिस्तानी अदाकारा निमरा खान ने कहा था कि उन्होंने एक रोज कबल होने वाले अगवा की कोशिश नाकाम बना दी थी। निमरा खान ने इस बात का इंकशाफ किया कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी एक वीडियो में कहा कि जिसमें उन्होंने अगवा की कोशिश की दिल दहला देने वाली तफसील सार्फिन को बताई। अदाकारा के मुताबिक ये वाकया एक रोज कबल पेश आया जब वो डिफेंस के एक होटल के बाहर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। उनकी फैमिली उन्हें पिक करने आ रही थी, गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई जिसके बाद बारिश शुरू हो गई और वो होटल के बाहर खड़ी इंतजार करने लगी। निमरा ने बताया कि तीन मुसलह अफराद आए और उनके करीब गाड़ी रोकी, असलह के जोर पर उन्हें जबरदस्ती खींच कर गाड़ी में बैठाने की कोशिश भी की गई। निमरा खान ने कहा है कि उसमें से एक शख्स ने मेरे पेट पर बंदूक रखी जिसके बाद मैंने चीखे मारना शुरू कर दी और मुजाहमत करके भागी। जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त होटल्स के गार्ड सामने थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं भागी, मेरी किसी ने मदद नहीं की। उस वक्त कुछ भी हो सकता था और मेरे पीछे से गोली भी मार सकते थे लेकिन मैं बच गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।